तो गाइस मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ यही गूगल का लोगो कॉनिक ग्रेडियंट से, किससे? कॉनिक ग्रेडियंट से। तो आइए चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइज मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे, देखिए गूगल क्रोम में। और मैंने देखिए यहाँ पर style.css यहाँ पर एक लिंक किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर ही हैंडल करूँगा style.css को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए मैंने डिवीज़न में एक क्लास बॉक्स नाम से एक डिवीज़न बनाई हुई है और इसके अंदर हम डाल देते हैं H1 और H1 में हम लिख देते हैं G, ठीक है। और हमने ये लिख दिया H1 में G और इसके बाद जो है हम इसे सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखिए G आ चुका, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो ब्लैक कलर का है। तो आइए हम CSS में इसको हैंडल करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्स और डॉट बॉक्स को हैंडल करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर विड्थ, हमने कर दिया 400 पिक्सल, और हाइट कर दी हमने, हाइट भी 400 पिक्सल कर दी। और देखिए यहाँ 400 पिक्सल करने के बाद में इसका मैं बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ जिससे कि वो दिखाई दे। तो मैंने कर दिया यहाँ पर येलो बैकग्राउंड कलर कर दिया। सेव करें और देखो यहाँ रिफ्रेश करें तो देखो वो दिखाई देने लगा। इसको सेंटर में लाना है मुझे, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मार्जिन कर दिया 0 एंड ऑटो, ठीक है, AUT ऑटो और 0 ऑटो कर दिया। सेव किया तो देखो सेंटर में आ गया। अब हम हैंडल करते हैं जी को। तो जी क्या है, वो H1 है, यहाँ पर देखिए ये H1 में लिखा है, तो H1 को हैंडल करते हैं। तो बॉक्स के अंदर डॉट बॉक्स, बॉक्स के अंदर है H1। सबसे पहले हम इसमें देते हैं इसका विड्थ, हम विड्थ दे देते हैं वही 400 दे दी हमने, 400 पिक्सल विड्थ दे दी, और इसकी हाइट 400 पिक्सल दे दी। देखिए मैंने विड्थ भी 400 पिक्सल दे दी और हाइट भी मैंने इसकी 400 पिक्सल दे दी। और इसके बाद हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करें तो देखो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें डालते हैं हम कॉनिक ग्रेडियंट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, और हम डालते हैं यहाँ पर कॉनिक ग्रेडियंट। और इसके बाद इसमें डालते हैं हम देखिए सबसे पहले रेड, और रेड के बाद आता है देखिए ब्लू, बी ब्लू, और ब्लू के बाद आता है इसमें ग्रीन, और ग्रीन के बाद हम देते हैं इसमें येलो, येलो दे दिया। सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो ये जो है किसके अंदर आ गया, जो H1 है उसके अंदर ग्रेडियंट पड़ गया, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट है इसको हमने क्या किया, देखो इसके बैकग्राउंड कलर अब हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए यहाँ से, तो ये हमने हटा दिया। और ये जो रेड कलर है ये 0 से 90 डिग्री तक जाए, जैसे कि मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल बता चुका हूँ, 0 डिग्री से फिर कॉमा लगाइए और फिर रेड कीजिए यहाँ पर रेड, और फिर हम 90 डिग्री तक कर दें 90 डिग्री, और फिर इसके बाद ब्लू जो है ब्लू 90 डिग्री से 180 डिग्री तक 180 डिग्री, और इसके बाद फिर ग्रीन है तो ग्रीन 180 डिग्री से 180 डिग्री से जाए 270 डिग्री तक 270 डिग्री एंड कॉमा लगाइए। इसके बाद येलो हो और येलो के बाद हम येलो कर दें 270 डिग्री से जाए येलो फिर से वापस 360 डिग्री। सेव करके रिफ्रेश करें तो देखिए ये ऐसे बन चुका, ठीक है। अब आप ये देखिए थोड़ा सा इसको मुझे पीछे की तरफ रोटेट करना है, तो हम इसे रोटेट करें और यहाँ पर कर दें फ्रॉम, और फ्रॉम हमने कर दिया देखिए 30 डिग्री -30 डिग्री कर दें। सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखो थोड़ा सा ये रोटेट हो गया। अब जी को हैंडल करते हैं। तो इसमें हम H1 में फॉन्ट साइज मैंने बता दिया जैसे 20 EM आप कर दें और सेव करें और इसको और बड़ा करें, यहाँ पर आपने कर दें 20 के बजाय 30 कर दें 30 EM, सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखो नीचे चला गया। इसके बाद हम इसे मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन, और मार्जिन टॉप कर देते हैं 20 पिक्सल, और देखें सेव करें, रिफ्रेश करें, देखो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल हो गई। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे। पैडिंग बॉटम मैंने कर दी 20 पिक्सल पैडिंग बॉटम, और देखिए सेव करें, रिफ्रेश करें, थोड़ा इसे नीचे करें और कर लें पैडिंग को, पैडिंग बॉटम कर दें 50 पिक्सल, सेव करें तो देखो ये आ गया यहाँ पर 50 पिक्सल पैडिंग यहाँ पर आ चुकी। तो देखिए इसके अलावा हम फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर जाएं तो देखिए हमने लिख दिया फॉन्ट फैमिली, तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर फेसिल सेंस, ये हमने लिया फेसल सेंस, और इसके बाद सेव किया और रिफ्रेश करें तो देखिए ये फेसल सेंस जो है ये पूरा हो चुका। अब देखिए इसमें, तो देखिए अभी और इसमें पैडिंग ये चाहता है, तो पैडिंग हमने यहाँ पर कर दी 80 पिक्सल पैडिंग, सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखिए पैडिंग पूरी हो चुकी, 80 पिक्सल से पैडिंग पूरी हो चुकी। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर है ये वाला इसका कलर का ये यहाँ लाना चाहते हैं, तो सेंटर लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर जो ये ग्रेडियंट था फ्रॉम 30 डिग्री और फिर इसके बाद हम कर देते हैं एट, और एट हम करते हैं टॉप से, पहले तो लेफ्ट से 30% और टॉप से 55% ये जो है सेंटर मूव हो जाए। सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखो इसका जो है ये सेंटर मूव हो रहा है। देखिए अब हम इसे थोड़ा नीचे की तरफ चाहते हैं, नीचे की तरफ, तो देखो ये 55 के बजाय हम 60 कर रहे हैं, 60 सेव करें और देखो रिफ्रेश करें तो देखो 60, अभी और मूव करना है थोड़ा सा, 60 से ज़्यादा थोड़ा आगे करना है, तो हमने कर दिया 32, सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखो 32, अभी और मूव कर लें थोड़ा सा आगे
तो 34 हमने कर दिया सेव किया, और देखो रिफ्रेश करें 34 बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा मूव नीचे करना है तो 61 सेव करें 61 एंड देन अब बिल्कुल सही है। तो 61 नीचे मूव हो गया, देखो यहां भी कट नहीं हो रहा, यहां भी कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट, हमने ग्रेडियंट को इसका पार्ट जो है अलग अलग कर लिया। अब क्या करते हैं इसके अलावा, इसके अलावा हम करते हैं देखिए यहां पर लगाते हैं बैकग्राउंड क्लिप। तो हमने लगाया यहां पर बैकग्राउंड क्लिप, और बैकग्राउंड क्लिप को हमने कर दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। तो अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करना होगा, ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हमारा जो क्रोम है सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम वेबकिट लगा देते हैं वेबकिट, और वेबकिट लगाने के बाद में फिर से वही बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्लिप, और सेम हमने क्या करा टेक्स्ट कर दिया यहाँ पर टेक्स्ट, और सेव किया। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड क्लिप इसमें हो चुका। अब हम इसका ट्रांसपेरेंसी, ये ब्लैक कलर है इसको खत्म करना चाहते हैं, तो हम कर दें यहाँ पर देखिए कलर, और कलर कर दिया ट्रांसपेरेंट, हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, सेव किया, और सेव करते जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये गूगल का लोगो बन गया, बन के आ चुका। तो गाइस कैसा लगा आपको गूगल का लोगो बनाना? तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।